जय श्री राम। स्वागत है परम प्रेमी मेरे भाई बहन, विशेष स्वागत हमारी माताओं बहनों का है। जो लोग 16 सोमवार व्रत करना चाहती हैं, उन सभी का विशेष स्वागत है। 16 सोमवार व्रत करने का ये बहुत ही उत्तम समय आ रहा है, श्रावण महीने में प्रारंभ करना। हालांकि कार्तिक महीना भी माना गया है, मार्गशीर्ष भी माना गया है, माघ महीना भी उत्तम माना गया है, पर सबसे उत्तम जो है श्रावण महीना माना गया है। और इसमें आपको डबल लाभ की प्राप्ति होगी। पूछेंगे कैसे गुरुजी, तो भाई ऐसा है जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है तो साथ में मथुरा का भी टिकट उसमें जुड़ जाता है, कोटा का भी जुड़ जाता है और सूरत का भी जुड़ जाता है। अथवा आप जिस रूट से हैं तो छोटे स्टेशन उसके बीच के जितने भी हैं उन सारे स्टेशन पर आप उतर सकते हैं, वहां जा सकते हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है, अपने आप सब इंक्लूडिंग हो जाती है उसी जर्नी में। उसी प्रकार से आप जब 16 सोमवार करेंगे तो जो श्रावण का सोमवार है उसका भी अपने आप आपको लाभ मिल जाएगा, मतलब डबल लाभ की प्राप्ति हो जाएगी शिव जी की कृपा से और आपकी जो है भक्ति के द्वारा। भक्ति कम भी रहेगी तो भी वो लाभ तो आपको मिलना ही है। तो ये जो श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है, श्रावण महीना कब से प्रारंभ हो रहा है और उसका डिटेल्स क्या है, बीच बीच में अच्छे मुहूर्त कौन से हैं, वो सारी जानकारी आपको इस लिंक को टच करके प्राप्त हो जाएगी, अवश्य देखिएगा। और मेरा निवेदन है जो लोग श्रावण का व्रत करते हैं उनके साथ में भी, स्पेशली जो सोमवार का व्रत करते हैं वो भी पुण्य के साथ में 16 सोमवार को व्रत जो लोग रखना चाहते हैं हमारी माताएं बहने, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और इसमें अवश्य प्रारंभ कर लें। नियम वही रहेगा और एक नियम में डबल लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा, श्रावण के सोमवार का भी और 16 सोमवार का भी। किसी कारण से मान लिया मासिक जो धर्म होता है, पीरियड्स वगैरह होता है, प्रथम सोमवार में जो 26 को प्राप्त होगा प्रारंभ हो रहा है, तो अगर उस दौरान है चौथा चौथा पांचवा छठा दिन पूर्ण शुद्धि नहीं, सातवें दिन के बाद से पूजा पाठ का विशेष नियम बताया गया है। तो अगर मान लिया प्रथम छूट भी जाता तो भी कोई बात नहीं, द्वितीय से प्रारंभ कर लीजिए। मान लिया कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप तीसरे से प्रारंभ कर लीजिए, और भी कहीं कोई समस्या है किसी प्रकार से कुछ उलझन है तो आप चौथे से प्रारंभ कर लीजिए, मतलब चौथे सोमवार से। पर प्रयत्न कीजिए पहला हो जाए अथवा दूसरा हो जाए तो और भी उत्तम है, अधिक से अधिक लाभ अपने को प्राप्त हो जाए। तो ये बहुत अच्छा अवसर है, इसका पूरा लाभ लीजिए। श्रद्धा विश्वास पूर्वक शिव जी की उपासना कीजिए, उनकी कृपा से आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय सियाराम।